सड़कों पर हो रही चहल पहल और बसों के हॉर्न के साथ ही सड़कों पर अगर सब्जियों की दुकानें हों तो क्या होगा? जी हाँ, सड़कों पर वहाँ से निकलने की जगह नहीं होगी, जिससे दुर्घटना और ज़्यादा जाम का आलम होगा। कुछ ऐसे ही हालात है चित्रकूट ज़िले के रामनगर ब्लॉक स्थित राजापुर कस्बे की। यहाँ लगभग 50 सालों से सड़कों पर सब्जी मंडी लगती है। इस सड़क से हर रोज़ लगभग 10,000 लोग गुजरते हैं। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पे मंडी लगने में 40 साल हो गया, इसके पहले से मंडी कब से अभी तक ये मंडी हटी नहीं है? ये मंडी नहीं हटी है, ना हटेगी। हमारे पास खेती है, ना बाली है, बुढ़े आदमी है तो क्या करे, बाल में लगाते हैं और हमारा घर भी है। लोग आते हैं, सब्जी मंडी में जाम लग जाता है, जानवर परेशान करते हैं, कई बारियों को बहुत दिक्कत है। सब्जी मंडी में दिक्कत ज्यादा आती है, पब्लिक परेशान होती है, गाड़ी ज्यादा आती है, गाड़ी का लाइन अलग करती है, दौड़ना पड़ता है। रिक्शा वालों से ज्यादा दिक्कत होती है, रोड जाम हो जाती है, पशु अन्ना होते हैं तो वो मारते हैं, यहाँ तक दो तीन आदमी मर भी गए पशुओं के मारने से। उनका शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। अरे कई लोग मर जा चुके सब्जी मंडी में जगह के कारण, सकेता है सब्जी मंडी में, इसलिए घटना होती है। कई बार मंडी के बारे में कि नाली के ऊपर लगा, नाली के ऊपर जगह ही ना, जब मोटर गाड़ी जाती है तो बंद नहीं हो जाता है। जब पुलिस यहाँ दंगा फसाद करती है, जाम लग जाए, जब हजार बार कहा उनसे सब्जी मंडी की कई जगह गिरी जाए तो कहते हैं अब डीएम के पास जाइए, सांसद के पास जाइए। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों के जवाब हमें ऐसे मिले। सब्जी मंडी के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है। लोग कह रहे हैं कि बस्ती के अंदर अपने बैलर के पास लगाई जाए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, यहाँ गंदगी फैलेगी, बीमारी फैल जाएगी, बस्ती के अंदर बिगड़ हो जाएगा। जब कोई जगह है वो ढूंढ रहे हैं उसके लिए, ऐसी जगह मिल जाती है तो जीवन में शिफ्ट करो। कब तक में होगी? लगभग बहुत जल्दी मंडी में जगह नहीं, वो तो जगह यहीं पे जाए, वो जाए।